क्लास 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 चल रहा अनुक्रम एवं श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.5 आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 किसी चतुर्भुज के कोण समानांतर श्रेणी में है जिसका सर्वांतर 10 है चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो माना चतुर्भुज के कोण A+D A+2D A+3D समानांतर श्रेणी में है हमने मान लिया हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 तो इन चारों को जोड़ के 360 लिख दिया A A A A 4A 1D और 2D कितना हो गए 3D और 3D कितना हो गए 6D तो 4A+6D बराबर 360 तो 4A+6D का मान दे रखा हमारा 10 और 60 को जब माइनस कर दिया 300 हो गया ए बराबर आ गया 300/4 75 डिग्री अभिष्ट कोण निकालने इसमें हम ए की वैल्यू रख देंगे 75 और डी की रख देंगे 10 ए की 75 डी की वैल्यू 10 ए की 75 डी की 10 तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 75, 85, 95 और 105 अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे 32 को ऐसे चार भागों में विभाजित करो जो समानांतर श्रेणी में इस प्रकार है कि अंतिम पदों के गुणनफल तथा मध्य पदों के गुणनफलों का अनुपात 7:15 है तो हमने इसमें क्वेश्चन में 32 को चार भागों में विभाजित करना है हमने माना 32 के चार भाग निम्न है A-D, A-3D, A-D, A+D, A+3D इन सबको जोड़ के हमने लिख दिया 32 तो यहाँ से डी कट जाएगा 3D से 3D प्लस का डी माइनस का डी कैंसिल हो गए 4A=32A=8 तो इसके बाद एक कंडीशन दे रखी है वाली अंतिम पदों का गुणनफल तो अंतिम पद है एक तो इस साइड से शुरू में A-3D है और अंतिम एक पद है हमारा ये तो अंतिम पदों के जो गुणनफल है वो कितने हो गए हमारे A-D, A-3D और A+3D इनका गुणनफल मध्य पदों के गुणनफलों के अनुपात जो दे रखा वो दे रखा 7:15 हमने 7:15 रख दिया हमने A-B, A+D का सूत्र लगाया A^2 - B^2 A-D, A+D का फॉर्म लगाया A²-D²=7/15 यहाँ A का वैल्यू रख दी 8 इसको सोल्व कर दे होगा 9D²/7/15 64 यहाँ आ गया जी 9D²/7/15 64D² क्रॉस गुणा करी क्रॉस गुणा करके 960-135D²=448-7D² और हमने D² वाले एक तरफ कर दिए उधर ले आ गए प्लस का हो गया 448 प्लस का था इधर आगे माइनस का हो गया D² की वैल्यू यहाँ से सोल्व करके आ गई 4 तो D की वैल्यू आ गई ±2 यदि A=8 हो और D=+2 हो तो इनमें वैल्यू रख देंगे हम A की और D की तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 2, 6, 10, 14 और यदि हम रखते हैं A की वैल्यू 8 और D की वैल्यू -2 तो हम इनमें वैल्यू रखेंगे A की जगह 8 D की जगह -2 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 14, 10, 6, 2 दैट्स ऑल ये कंप्लीट हो गया आप चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे की वीडियो आपको मिलती रहे और मोबाइल को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए अपनी आँख से ताकि आपके आँखें भी सुरक्षित रहें थैंक यू।